दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साधना क्या होती है और साधना क्यों की जाती है। देखिए, बहुत बड़ा ही सिंपल विषय है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब कोई ऐसा होगा नहीं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके घर में थोड़ी बहुत पूजा पाठ ना होती हो। थोड़ा बहुत तो सब लोग करते हैं, भले से महीने में ही एक दिन करें, भले से त्यौहार वाले दिन ही करें, लेकिन करते तो सब लोग हैं। बस यही नॉर्मल पूजा पाठ को जब एक विशेष विधि विधान से एक विशेष प्रोसेस के अंडर में किया जाता है तो उसे ही साधना बोलते हैं, और इसमें कुछ नया नहीं है। और यही होता आया है, ऐसे ही छोटे छोटे अनुष्ठान करके बड़ी बड़ी शक्तियाँ लोग हासिल करते हैं और बड़े बड़े एक फल प्राप्त करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि साधना की क्यों जाती है, लोग करते क्यों हैं। देखिए, ये मनुष्य जीवन में जो भी आया है उसको कभी ना कभी जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में, कि उसे हमेशा ही सुख हो या फिर हमेशा ही दुख हो, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ आए हैं तो आपको सुख और दुख कभी ना कभी ये आते जाते रहते हैं। तो ये होता है प्रारब्ध से, प्रारब्ध बनता है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। तो ये जो साधनाएँ होती हैं, इनसे आपके पिछले जन्म के पाप कर्म जो होते हैं, जो पाप कर्मों के भोग आपको अभी भोगने होते हैं, उनसे आप बच जाते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से वो सारे पाप कट जाते हैं और उसका परिणाम भी आपको दिखता है, आपके पुण्य फलित होने लगते हैं, आपका जीवन धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं है कि अचानक से आपने आज कुछ किया, थोड़ा अनुष्ठान किया, आज कोई साधना की और कल से आपका जीवन बदलने लगेगा, ऐसा भी नहीं होता है। शक्तियाँ हैं, धीरे धीरे संयोग बनाती हैं, संयोग बनाने में उनको महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर का समय लगता है। लेकिन हाँ, समय लगता है लेकिन परिणाम जरूर आता है। अगर आपने किसी शक्ति की साधना की है तो वो शक्ति आपकी सहायता जरूर करेगी। आपने जिस भी भाव से, जिस भी इच्छा से उसकी साधना की है, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। चाहे आपने किसी अप्सरा की साधना की हो, चाहे आपने किसी योगिनी की साधना की हो। देखिए, साधनाएं हमेशा सात्विक साधनाएं ही, अच्छी साधनाएं ही करनी चाहिए। तामसिक साधनाओं में भूत, प्रेत, यक्षी, यक्षिणियों की साधनाएं अगर आप करेंगे तो फिर वहाँ पे होता है कि अंततो गत्वा दुख ही मिलता है। शुरुआत में तो तामसिक साधनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि तामसिक साधनाएं जो होती हैं वे बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन सात्विक साधनाओं में शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सात्विक साधनाएं शुरू से लेकर लास्ट तक, आपके जीवन के अंतिम क्षण तक और जीवन के बाद भी आपको सुख प्रदान करेंगी ही करेंगी। सात्विक साधनाएं, सात्विक शक्तियां आपको कभी भी जीवन में कष्ट नहीं देंगी। लेकिन वहीं अगर आपने कोई भूत प्रेत की सिद्धि कर ली, कोई यक्ष यक्षिणी की सिद्धि कर ली, तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन चूंकि उनका स्वभाव खराब है, उनके खराब स्वभाव की वजह से ही उन्हें मृत्यु के बाद नीची होनी मिली है, तो उनका स्वभाव ही खराब है, तो कभी ना कभी वो अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे ही करेंगे और आपको कष्ट ही दे के जाएंगे। और अगर आपने जीवन भर उनकी साधना पूजा कर ली, तो मृत्यु के बाद आपको वो अपने ही लोक में लेके जाएंगे और आपको भूत प्रेतों के ही साथ निम्न योनियों में, निम्न कोटियों में दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा हजारों हजार साल तक, ऐसा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सात्विक साधनाएं करनी चाहिए, तामसिक साधनाओं के चक्कर में ना पड़ें तो ही बेहतर है। थोड़ा सा समय लगता है सात्विक साधनाओं में, लेकिन हाँ, आप सेफ रहेंगे।
आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, आपके और आपके परिवार की सुरक्षा होती रहेगी हमेशा। लेकिन तामसिक साधनों में ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए तामसिक साधनाएं आपने कोई शक्ति सिद्ध कर ली और वो शक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो क्या हुआ, आपके परिवार में किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा देती है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसे हो जाता है। इसीलिए हमेशा सात्विक साधनाओं के विषय में ही बातें करनी चाहिए और वही साधनाएं करनी चाहिए। और निश्चित बात है कि साधनाओं से कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बनता है, सुख शांति समृद्धि मिलती ही मिलती है जीवन में। चाहे आपके धन का अभाव हो, चाहे जीवन में प्रेम का अभाव हो आपके, चाहे आपके सम्मान का अभाव हो, जीवन में कोई आपका सम्मान नहीं करता हो, या फिर किसी पद प्रतिष्ठा का अभाव हो आपके जीवन में, तो सारी चीज़ें साधनाओं के दम पे हासिल की जा सकती हैं। और ऐसा पहले भी होता था, आज भी होता है, आज भी लोग हासिल करते ही करते हैं। तो जय श्री महाकाल मित्रों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।